तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रथमुखी और आप देख रहे हो रथमुखी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने यूट्यूब वीडियो के लिंक को आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे आप कैसे लगा सकते हैं। हाँ गाइस, अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को जो है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लगाना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो गाइस, ऐसे में क्या होगा ना गाइस, अगर आपने यूट्यूब चैनल का लिंक को अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आप लगा लेते हैं तो गाइस वहां से जो है आपको आपके फ्रेंड जितने भी होंगे गाइस वहां से जो है आपके प्रोफाइल पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके आपके यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। हाँ गाइस, ऐसे में आपका सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे और गाइस आपका वॉच टाइम भी जो है इंक्रीज होगा। तो गाइस, अगर आप भी जो है अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आप लगाना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और गाइस, अगर आप अभी तक इस रथमुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो गाइस, अगर आपको अपने फेसबुक पे जो है आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक को अगर आपको देना है तो गाइस आपको क्या करना होगा ना गाइस, आपको जो है अपने फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। गाइस यहाँ पे फेसबुक का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल का यहाँ पे आपको नेम देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको अपने प्रोफाइल के यहाँ पे नेम पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है यहाँ पे खोल के आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट पब्लिश डिटेल्स। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको एडिट पब्लिश डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे पूरा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्स, उसके साइड में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड। तो गाइस यहाँ पे आपको ऐड पे यहाँ पे क्लिक करना है। गाइस गाइस यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। तो गाइस यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं सोशल लिंक्स, उसके बाद यहाँ पे नीचे है वेबसाइट्स। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको, तो गाइस आपने अगर अपने चैनल का जो है यहाँ पे कस्टम यूआरएल पहले से यहाँ पे बना के रखे हैं तो गाइस यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड सोशल लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और गाइस अगर आपने अभी तक अपने चैनल का यहाँ पे कस्टम यूआरएल यहाँ पे आप बना के नहीं रखे हैं तो गाइस आपको जो यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस मान लीजिए गाइस आपका जो है यहाँ पे कस्टम यूआरएल अगर आप बना के रखे हैं तो गाइस यहाँ पे हम चलिए ऐड सोशल लिंक पे हम क्लिक करते हैं। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म का यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको यूट्यूब को यहाँ से सिलेक्ट कर लाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे आपको यूज़र नेम यहाँ पे आपको देने के लिए बोलेगा। तो गाइस यहाँ पे जो है आपका जो अभी यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे नेम होगा गाइस यहाँ पे जो है आपको अपने चैनल का यहाँ पे नेम को आपको एंटर कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे हम चलिए हम मेरा चैनल का नाम यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। तो गाइस आप भी जो है अपने चैनल का नाम यहाँ पे आप एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे जो है आपको एक राइट का यहाँ पे निशान मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड के यहाँ पे राइट के निशान पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सेव पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे सेव पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका जो है देख सकते हो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस आपके प्रोफाइल पे जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका यूट्यूब चैनल का यहाँ पे नेम आपको शो कर रहा होगा। तो गाइस आप जो है यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे गाइस आपका जो है यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे जो है क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो गाइस हम जैसे कि यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे एक एरर आ जाएगा गाइस, क्योंकि गाइस मैंने जो है अभी तक, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरा जो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि गाइस मैंने जो है अभी तक मेरे चैनल का यहाँ पे कस्टम यूआरएल मैं बनाया नहीं हूँ। तो गाइस आपने अगर बनाया होगा तो गाइस यहाँ पे जो है आपका चैनल यहाँ पे ओपन हो। तो गाइस अगर आपने जो अभी तक अपने कस्टम यूआरएल यहाँ पे नहीं बनाया है तो गाइस आपको कैसे आपको ऐड करना है, तो गाइस आपको फिर से यहाँ पे बैक आना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एडिट पब्लिश डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से आपको नीचे आना। तो गाइस यहाँ पे नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो लिंक्स, उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपका कस्टम यूआरएल नहीं है तो गाइस यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे हम क्लिक कर लेते हैं।
तो गाइस यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट एड्रेस। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको अपने चैनल का यहाँ पे यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो गाइस अगर आप अभी तक अपने चैनल का लिंक कॉपी नहीं किए हैं तो गाइस मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को देख कर जो है आप अपने चैनल के लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है अपने चैनल का यहाँ पे लिंक को आपको पेस्ट कर लेना है। तो चले गाइस हम यहाँ पे जो है अपने चैनल का लिंक को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको अपने चैनल का लिंक को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड पे यहाँ पे आपको राइट का निशान दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको राइट का निशान पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन यहाँ पे देखने लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक बार यहाँ पे बैक आना है। बैक आ जाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आपके फेसबुक पे जो है यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल का यहाँ पे यूआरएल जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे जो है आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन होकर आ गया है। तो गाइस ऐसे में क्या होगा ना गाइस आपके फेसबुक पे जितने भी फ्रेंड हैं गाइस वो जो है आपके फेसबुक प्रोफाइल से ही जो है वो वाला लिंक पे क्लिक करके जो है आपका चैनल पे वो एंटर कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और गाइस अगर आप अभी तक इस रथम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चले गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।